अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं नकल कफाले, फाइनल एग्जिट, इकामा या फिर हुरूब मतलूब इन सारे सवाल को करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो भी आपका डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे और आप आसानी से अगर कोई इस तरह का मामला आपके साथ आता भी है तो किस तरीके से आप जो है इस सारे मामला से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक जरूर कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि चैनल पर सारे का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहला जो कमेंट है, भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ की 11 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, मेरा नोटिस पीरियड शो है हो नहीं हो रहा है, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं। तो देखिए, अगर आपके ऊपर कोई भी नोटिस पीरियड नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपका नोटिस पीरियड नहीं शो कर रहा है तो। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे देखिए एक सवाल है मेरे भाई का कि ब्रदर मेरा 13 मंथ हो गया है, काम नहीं देता है, एक बार फाइनल एग्जिट लगाया बाद में हटा दिया, अब कैसे घर जाएं। तो देखिए, जो लोग भी यहाँ पे फाइनल एग्जिट से रिलेटेड परेशान हैं उन लोगों के लिए मैंने स्पेशल एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है कि किस तरीके से आप किस किस कंडीशन में फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। वो प्लेलिस्ट में वीडियो के स्क्रीन में आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में आपको मिलता होगा, उसे क्लिक करके हर एक पॉइंट को आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर फाइनल एग्जिट आपका कंपनी नहीं लगा रहा है तो आप सिंपली जो है अफसर से भी अपना फाइनल एग्जिट लगा सकते हैं, मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसे देख करके भी अपना फाइनल एग्जिट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरे को आए हुए 15 दिन हुआ है हाउस ड्राइवर में, लेकिन मुझे घर जाना है, तो जो मेरा दोस्त बुलाया है वो बोल रहा है कि कफील को वीज़ा का वकाला का पैसा देना होगा और अपने टिकट लेना होगा तब ही जा सकते हो, 5000 रियाल बोल रहा है देना होगा तब जाकर जाओगे, क्या वो सही कह रहा है, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो देखिए, जो लोग भी यहाँ पे तुरंत आते हैं आपके पर जो है कफील के अंदर में काम कर रहे हैं, अगर कंपनी कफील आपको पसंद नहीं आता है, क्योंकि अभी आपका प्रोबेशनल पीरियड चल रहा है, तो प्रोबेशनल पीरियड में ये आपका हक है कि आप अपना फाइनल एग्जिट जा सकते हैं या फिर कंपनी या कफील आपको फाइनल एग्जिट भेज सकता है, यानी कि आपको काम से बर्खास्त कर सकता है, दोनों ही पार्टी को ये अलाउ है। लेकिन अगर कंपनी या कफील आपसे पैसे का डिमांड करता है तो कुछ कंडीशन में वो सही भी हो सकता है, कुछ कंडीशन में वो गलत भी हो सकता है। तो देखिए, अगर कंपनी आपसे इस तरह का बात कर रहा है, अभी आप प्रोबेशन पीरियड में, तो आप जो है जा सकते हैं, अगर 5000 रियाल मांग रहा है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए एक काम आपको करना होगा, आपको सिंपली अगर क्यूवा पे आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि किस किस कंडीशन में आप अपना फाइनल एग्जिट को अप्लाई कर सकते हैं प्रोबेशनल पीरियड में, वो वीडियो देखें और उस पर जो है अपना फाइनल एग्जिट अप्लाई करें। और बात रही अगर कंपनी कफील आपको इस तरीके से परेशान कर रहा, तो इसके अगेंस्ट आप मकतबा अमल में जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे प्रोबेशनल पीरियड हुआ, मैं अपने प्रोबेशनल पीरियड में जाना चाहता हूं, लेकिन कंपनी मुझे या कफील मुझे जो है फाइनल एग्जिट नहीं भेज रहा, अब मुझसे 5000 रियाल मांग रहा, तो उस केस में फिर आपका हेल्प हो सकता है और आपका इजी भी में वहाँ पर फाइनल एग्जिट भी अप्लाई हो सकता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है और मुझे कफाला लेना है और कंपनी कफाला भी नहीं देती है, कंपनी सैलरी भी टाइम पर नहीं देती है। देखिए, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो सिंपली आपको कफाला लेना है, मुश्किल नहीं है, इजी वे में आपका कफाला हो सकता है। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा कि क्यूवा पे आप अपना नोटिस पीरियड देख लें, नोटिस पीरियड के 20-25 दिन पहले आप अपना क्यूवा पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें, उसके बाद किसी भी कंपनी से आप अपना जो है रिक्वेस्ट मंगाएं, उसे एक्सेप्ट कर लें, इतना कर लेंगे फिर आपका जो है आगे का प्रोसेस खुद ब खुद होता चला जाएगा और आपका जो है कफाला हो जाएगा। बात रही है यहाँ अप्रूवल की या ना अप्रूवल की, तो अगर देखिए कंपनी आपका अप्रूव करती है तो भी ठीक है, नहीं करती है तो उस कंडीशन में भी आपका कफाला हो सकता है, उसके लिए फिर आपको जो है मकतबा अमल जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आपको ये प्रूफ करना होगा कि सैलरी आपको टाइम से नहीं मिलता है या फिर 3 महीने से ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में आपको बिना अप्रूवल के ही आपका नकल कफाला वहाँ पर अप्रूव हो जाता है और आपका कफाला भी हो जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को।
यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा नोटिस पीरियड 0 दे रहा है, मैं कितने दिन पहले टर्मिनेट करूँ, मुझे कफाला लेना है। तो देखिए, जिनके कॉन्ट्रैक्ट पे नोटिस पीरियड ही नहीं शो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। आप अपना QA पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें, QA पे रिक्वेस्ट मंगाएं और अपना नकल कफाला का प्रोसेस को कम्प्लीट करें इन लोगों के लिए। बाकी जिन लोगों का नोटिस पीरियड शो कर रहा है वो अपना 20 से 25 दिन पहले अपना नोटिस पीरियड से 20-25 दिन पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई जवाब ज़रूर देना, अगर मैं छुट्टी का केस करूँ कफील के ऊपर, फिर ड्यूटी पे रह भी सकता हूँ या छोड़ दूँगा ड्यूटी जब तक छुट्टी ना लगे, कहीं कफील कुछ गलत ना करे, काम को छोड़ दूँ क्या? तो देखिए, अगर कफील कंपनी आपको छुट्टी या फाइनल एग्जिट से रोकता है तो ये पूरी तरीके से इलीगल है, इसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को देखें, हर एक पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है जवाब दे देता हूँ कि अगर कंपनी या कफील आपको फाइनल एग्जिट जाने से या फिर छुट्टी जाने से रोकता है तो इस केस में आप सिंपली जाएं मकतब अमल में जाके कंप्लेन करें अपने कफील के ऊपर। बात रही ड्यूटी की, तो ड्यूटी आप करते रहें, क्योंकि अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर कंपनी या कफील आपके ऊपर हुरूप लगा देगा, क्योंकि आपको वो भागा हुआ घोषित कर देगा, यानी कि भागा हुआ बोल देगा कि ये मेरे पास नहीं काम कर रहा। जब तक वहाँ पर काम करते रहेंगे तो उसके पास ये हक नहीं होता कि वो आपका हुरूप लगा दे, ठीक है? तो ये गलती ना करें, वहाँ पे काम करते हैं लेकिन कंप्लेन कर दें, ठीक है? चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा QA पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, गोसी पर मैसेज आता है सैलरी का, 1 ईयर 6 मंथ हो गया है, कंप्लीट हो गया है, क्या विदाउट कफील परमिशन ट्रांसफ़र हो सकता है? तो देखिए, अगर आपका QA पे कॉन्ट्रैक्ट शो ही नहीं कर रहा तो फिर आपको कफील के परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपली QA पे रिक्वेस्ट मंगाएं, उसे अप्रूव करें, अपना ट्रांसफ़र को कंप्लीट करें। अगर जिन लोगों का भी QA पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं शो कर रहा उनके लिए बहुत अच्छा जो है प्लस पॉइंट होता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई मेरे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, पर मेरी कंपनी रेड कैटेगरी में है और मुझे अभी 5 महीना हुआ है, तो मैं अगर साल भर बाद दूसरे कंपनी में कफाला लेना चाहूँ, उसका प्रोसेस क्या है? कफील के लिए प्रीव्यू कंपनी का अप्रूवल ज़रूरत होता है, अगर होता है तो और कंपनी अप्रूव ना करे तो क्या कर सकते हैं, प्लीज़ हेल्प। देखिए, अगर कंपनी आपको पहले सिंपली क्या करना, आपको जो लोग भी 6 महीना 8 महीना 3 महीना 9 महीना जिन लोगों को भी हुआ तो वो कफाला नहीं ले सकते हैं, आपको 1 साल तक अपने स्पॉन्सर के पास काम करना होगा, उसके बाद ही आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बात रही यहाँ पे अप्रूवल की और नहीं अप्रूवल की, तो देखिए कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो कि आप अप्रूवल कर बिना अप्रूवल के भी ले सकते हैं, कुछ कंडीशन ऐसा है जिसमें आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बताने बैठा तो पूरा ये वीडियो ही लंबा हो जाएगा और इतना देर तक कोई इस वीडियो को देखने नहीं वाला है मेरे ख्याल से। तो आप सिंपली क्या करें, मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बात करें, मैं इंशाल्लाह उस पर आपका सारा डाउट क्लियर कर दूँगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई मेरा 2 ईयर्स पेपर कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अभी छुट्टी जा रहा हूँ, मेरा QA पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या मैं आने के बाद ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? तो देखिए, जिन लोगों का QA पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो अपना इजी वे में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा एक जो है मौका होता है उन लोगों के लिए जिनका QA पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में मैं इतने ही कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आने वाले वीडियो में और भी मैं कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो आपका डाउट होता है वो इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल होता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आगे फिर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि चैनल पर सारा टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।